हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम बनाएंगे केक। ओके, उसके लिए 2 कप मैदा ले ली, 1 कप से मेज़र, और इसके लिए 1 कप से थोड़ा कम शुगर ले ली मैंने। ओके, 1 कप शुगर डाल ली। फिर ये टीस्पून से 5 टीस्पून कोको पाउडर ले ली मैंने। ओके, कोको पाउडर डाल लिया हमने। ये जो है बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर मैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम ले ली। ओके, अभी जो है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून से भी कम डाली मैंने। ये जो है वेनिला एशंस, ये 1 टीस्पून ले ली। ओके, अब जो है ना ये कॉफ़ी पाउडर है, ये कॉफ़ी पाउडर को मैंने हॉट वाटर में मिक्स करके रखी थी। 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ले ली थी मैंने, हॉट वाटर में मिक्स करके रखी, पूरा डाल दी मैंने। ओके, अभी जो है ऑलिव ऑयल 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ले ली। ओके, 1 होल एग डाल देना चाहिए। ओके, 1 एग डाल ली मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके, इसमें जो है दूध डालना चाहिए, 1 कप दूध ले ली मैंने। ओके, एक एक जो है ना फ्रेंड्स, मैं आटा से बनाई थी, आपको मैं बाद में बता दूंगी। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। देखिए 1 कप मैं ऐड कर दी थी दूध, फिर भी 1 कप कम पड़ा था और थोड़ा ऐड करी मैंने दूध। ओके, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 कप दूध लगी, इसको अच्छे से मिक्स कर ली फ्रेंड्स मैंने। ओके, मेरे पास मोल्ट है, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दी मैंने, अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए ऑयल को। ओके, अच्छे से स्प्रेड कर कर इसमें मिक्स ऐड करेंगे, ये मिक्स जो है इसमें डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये मिक्स पूरा अच्छे से इसमें डाल दिया, बाद में अच्छे से सेट कर लेना चाहिए, पूरे कोने में अच्छे से आए जैसा, 1-2-3 बार टैप करना चाहिए, इसमें बबल्स ना बने। ओके, अब ये जो केक है ना फ्रेंड्स, मैंने आटा से बनाई, आटा ब्राउन शुगर से, हेल्दी केक है ये डाइटिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, आप अगर से ये केक बताने के कमेंट करें तो मैं ये रेसिपी भी बता दूंगी आप लोगों को। ओके, ये ओवन में रख दी मैंने, रखकर पहले जो है 5 मिनट सेट करी मैंने, फिर उसके बाद में फिर 5 मिनट सेट करी। ओके, टोटल 10 मिनट्स लगाए। चलिए, अपना केक तो बन रहा है, देखे ना फ्रेंड्स, यही केक है हम जो आटा प्लस ब्राउन शुगर से बनाए, एकदम स्पॉन्जी बना है फ्रेंड्स, और टेस्ट में भी बहुत हेल्दी है। ओके, ये अपना केक भी बन गया है, दिल शेप केक। ओके, देखिए, ये चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने हॉट वाटर में शुगर ऐड करी, उसमें थोड़ा दालचीनी ऐड करी फ्रेंड्स, फिर उसमें कोको पाउडर ऐड करके मिक्स कर ली, फिर उसको अच्छा गाढ़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, इसको चूल्हे पे रख के गाढ़ा क्रीमी बन गया। देखिए, अपना चॉकलेट क्रीमी बन गया है, अपन ये बोल में ले लेंगे। ओके, अभी ये केक को बीच में से कट कर रही हूँ। ओके, देखिए एक बार अच्छे से कट करके 2 लेयर में बना रही हूँ मैंने, अच्छे से कट करके साइड में रख दी मैं। ओके, अब जो है हम बनाए सो जो चॉकलेट क्रीमी, कोको पाउडर, शुगर प्लस दालचीनी डाल के सिरप बनाए थे हम लोगों ने। ओके, ये सिरप को टोटली अप्लाई कर दी मैंने नीचे के पार्ट को, अब जो है ऊपर का पार्ट रख दी। अभी जो है ना हम ये क्रीम जो है अप्लाई करेंगे आराम से। ओके, देखिए हम क्रीम ऊपर भी लगा लिए, साइड में भी लगा दिए फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से अपना शाइनी लुक भी आ गया और टेस्टी भी है। ओके, अब जो है हम इसको डेकोरेशन करेंगे। ओके, पहले पूरा अच्छे से देख लेंगे, ये जो है चाको चिप्स है फ्रेंड्स, ये जो है जेम्स है। चलिए, जेम्स से हम डेकोरेशन करेंगे साइड से, अच्छे से 1 बाय 1 रख देंगे हम। देखे, ये जो है कैडबरी चॉकलेट मैंने बाहर से मंगा कर इसको क्रश कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको
क्रश करने के लिए थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे, सॉरी थोड़ा क्रश करके अच्छे से डिज़ाइन भी बन रहा है। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। ओके, क्रश कर दी मैंने, अच्छे से क्रश हो गया, डिज़ाइन भी बन गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, ये अभी साइड में भी लगा देंगे हम थोड़ा थोड़ा सा। ये चॉकलेट जो है ना थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, इसलिए वो ऐसा फिंगर्स को चिपक जा रहा था। थोड़ा आप लोग डीप फ्रिज में रखकर क्रश करेंगे तो हैंड फिंगर्स को नहीं चिपकेगा। ओके, जब अच्छे से स्प्रेड कर सकेंगे हम। अच्छे से क्रश कर लिए, पूरा हो गया ना। अभी जो है हम चाको चिप्स ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखें ये चाको चिप्स जो है ना सुपरमार्केट में मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनकर रेडी हो गया। आप लोग पसंद आ गए तो